प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं भुनित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नेत्री प्रोमिला पर पलटवार करते हुए कहा कि ये नेत्री अपनी आमदन के रास्ते बंद होते देखकर बौखला गई है, अपनी बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। सुरेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नेत्री को प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर टिप्पणी करने से पहले अपना कद देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्कासित नेत्री में ज्ञान का अभाव है जो हमें संपत्ति को सार्वजनिक करने को कह रही है, शायद उसे इस बारे में ज्ञान नहीं है। जब भी कोई भी चुनाव लड़ता है तो वह शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति व आमदन के स्रोतों की जानकारी की घोषणा करता है। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाली नेत्री ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो दिया लेकिन आय के स्रोत सार्वजनिक नहीं किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेत्री को इस प्रकार की फजूल बयानबाजी के बजाय उन्हें अपनी 33 लाख रुपए की एफडी व अन्य संपत्ति का सोर्स बताना चाहिए। सुरेश कुमार ने कहा कि निष्कासित नेत्री में अगर हिम्मत है तो वह अपनी मान हानि का मामला न्यायालय में दर्ज करवाए, वह सभी सबूतों के आधार सहित न्यायालय में पेश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि वह भोरंज क्षेत्र में ऐसे लोगों ने तबादले उद्योग चलाकर कर्मचारियों का दोहन किया है। उन्होंने कहा कि इस नेत्री के पति ने उसके खाते में पैसा जमा किया है या एफडी बनवाई है तो उनके पति को भी उन तिथियों में अपनी आय साबित करनी होगी। सुरेश कुमार ने कहा कि लोगों की जेब काटने से अच्छा होता कि शराफत से उधार लेकर काम चलाना। वास्तव में उधार लेना बुरी बात नहीं है, लोगों को लूटना गलत है और लोग पदों पर रहकर सरकारी कर्मचारियों व गरीबों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग इस प्रकार के मामले की जांच करे कि जिस व्यक्ति ने 33 लाख रुपए की मात्र एफडी ही करवा रखी है उसके पास अन्य कितना धन होगा, क्या उसकी रिटर्न भरी गई है, ये तमाम जांच के विषय हैं। उन्होंने कहा कि वो गीदड़ की धमकियों से डरने वाले नहीं है तथा न्यायालय में इस प्रकार के मामले से भुगतना जानते हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि यह निष्कासित नेत्री को अपनी आय के साधन पर अपनी 33 लाख की एफडी के स्टोर सार्वजनिक करने चाहिए। देखिए, जो भोरंज की निष्कासित नेत्री है वो बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। हमारी उसको नसीहत है कि वो अपना कद देखे तब प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करे। जहां तक निष्कासन की बात है, ये लोग हमेशा पार्टी विरोधी कार्य करते रहे हैं और अब जब इनका निष्कासन हुआ है तो ये अपने जो आमदन के साधन हैं उनको बंद होते देखकर बौखला गए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूं। मैं दोबारा ये आरोप लगा रहा हूं कि उन लोगों ने भोरंज क्षेत्र में कर्मचारियों का दोहन किया है, लूट कसूट की है और उन्होंने एक तबादला उद्योग जो था वो भोरंज के अंदर चलाया था और उसके द्वारा उन्होंने अकूत संपत्तियां अपनी बनाई हैं। मेरी ये मांग है, अच्छा होता कि ये निष्कासित नेत्री अनाप शनाप बयानबाजी करने के बजाय लोगों को अपनी 33 लाख रुपए की एफडी का ब्यौरा देती, वो कहाँ से पैसा आया और किस जरिए से वो पैसा इन्होंने कमाया उसका ब्यौरा जनता को देती। जहां तक उन्होंने हमारी संपत्ति की बात की है तो शायद उनको ज्ञान नहीं है कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है प्रत्याशी तो वो अपनी सारी जो संपत्ति का ब्यौरा है वो शपथ पत्र के साथ जो है वो निर्वाचन आयोग को देता है। तो हमने भी दिया है और साथ में हमने अपने आय के जो स्रोत हैं वो भी दिए हैं, अपनी जो बैलेंस शीट है वो भी वहां पे दी है। लेकिन क्या उसने दी है अपने आय के स्रोत, क्या उसने बैलेंस शीट दी है, क्या उसने अपनी रिटर्न की कॉपी लगाई है, क्या उसने ये उसमें बताया है कि मेरे पास इतना जो पैसा आया है, इतनी जो मेरी 33 लाख रुपए की एफडी है और बैंक बैलेंस है वो कहां से आया। मेरा ये मानना है कि अगर वो ये कह रही है कि मेरे पति ने ये एफडी मुझे दी है तो उसके पति इस चीज को साबित करें कि उनके पास कहां से आया। एक जो अनुबंध आधार पर कर्मचारी है वो इतनी एफडी कैसे करवा सकता है, कहां से करवा सकता है, तो ये एक जांच का विषय है। हम चुनौती देते हैं कि ये नेत्री कोर्ट में जाए और अगर हिम्मत है तो कोर्ट
में केस दायर करें और कोर्ट में हम तथ्यों के साथ हाजिर हो जाएंगे।